स्पेस के इशू पे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के मुज़ाकरात खत्म। नून लीग ने पीपी के तमाम मुतालबात मान लिए। पंजाब में अख्तियारात के हवाले से इत्तेफाक हो गया। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पीपी पंजाब में अच्छी गवर्नेंस चाहती है। तहरीरी मुहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक बात जारी है। अपने सियासी मुफादात का तहफुज कर रहे हैं, हमें गालियां दे रहे हैं। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे, ये अपने जाती मुफादात का तहफुज कर रहे हैं। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा कि मैं बोलूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ब्लैकमेल नहीं हो सकता, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं, वार में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे। सियासी मफादात का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। ऑपोजिशन को शर्म आ रही है, ना हया। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान ऑपरेशन करने की तस्दीक कर दी। अपेक्स कमेटी में पहले से नामुकम्मल ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अपेक्स कमेटी के फैसले को काबीना में ला रहे हैं। काबीना के बाद मामला एबान में लाएंगे। कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऑपरेशन के बगैर जमहूरियत आमरियत कहलाती है। असद कैसर ने कहा कि वाज़ह तौर पर कहता हूं कि हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का अजलास। नुकता एतराज पर इजहार ख्याल की इजाज़त न मिलने पर सुनी ताहूर कौंसिल के अहकाम का कौमी असम्बली के अजलास से वॉकआउट। इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। मिलकर हमने, दिस इज नॉट द वे। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आंगी की जरूरत है, ताकि ठोस नतायज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेजी से गामजन हो। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के दरमियान इत्तेफाक की राय के बाद दहशत गर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। कौमी अपेक्स कमेटी के इजलास के अलामी में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए SOPs जारी कर दिए गए। आज हजारों जवानों और अफसरों ने, उनके बच्चों ने शहादत का जाम नोश किया पाकिस्तान के लिए। इन कुर्बानी अजीम सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हैं। हारून मलीम ने अपने वतन के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कुर्रम धमाके में शहीद 5 जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़ीरे दिफा तलात नशरियात दाखिला और सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान मुत्तहिद इकाई है। सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। तुर्बत पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। दादू दालबदीन 43 डिग्री। कराची में आज दर्ज हरारत बाफ मकाम पर 40 डिग्री तक पहुंच गया। समंदरी हवाएं बंद होने से हफ्तर शदीद गर्मी से जीना माल। दर्ज हरारत 45 डिग्री तक महसूस होने के बायस मरीजों और बड़ी उम्र के अफराद की हालत नाजुक। मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज होगा। रवां साल मामूल से जायद बारिशें मुतवक्का। एक नूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM आवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के आवाम इन सब लोगों को अच्छी तरह समझ गए हैं। आवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ लाद देना, जो लोग फैसले कर रहे हैं हमारी किस्मत के, वो तो असेंबली में बैठकर अपने लिए तो वो मराहत हासिल कर रहे हैं।
जमात इस्लामी का बजट इजाफी बिल और लोड शेडिंग के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नौराकश्ती चल रही है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों से मुल्क तबाह हो गया, हर घर में बिजली के बिल नहीं बिजली के बम आ रहे हैं। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए ये भी कहा कि गरीबों पर नए टैक्स ला दिए गए, तनख्वाह तबका पिस कर रह गया। गर्मी के साथ लोड शेडिंग, शहरी जाएं तो कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बफर जोन में बिजली की बंदिश के बायस इलाका मकीनों का एहतजाज, 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। एतराफ की सड़कों को टैंकर लगाकर बंद कर दिया गया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मेयार कायम किया गया इसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। सैन्य फौजी पनाह गुजीन कैंपों पर बमबारी, 24 घंटों में रफा और खान यूनुस पर गोलाबारी से 120 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। कबाल उद्वान अस्पताल में खसाई की लत से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। जख्मी फलस्तीनी नौजवानों को फौजी जीप के आगे बांधकर जनियन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला, अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त, नई तारीख रकम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम अफगानिस्तान के 149 रन के हदफ के ताकुब में 127 रन पर ढेर हुई। फतह की बदौलत अफगानिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का यूट्यूबर पर हत्या के इज्जत का 1000 अरब रुपए के हर जाने का दावा। बेबुनियाद इल्जाम पर लीगल नोटिस भिजवाया। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। शुएब अख्तर की बाबर आजम पर कड़ी तनकीद, बोले बाबर में कप्तानी की सलाहियत नहीं है। और जंजर जमीन से शुरू होता है, हिरसो हवस और कत्लो हारत करी का खेल। हॉलीवुड की ड्रामा एक्शन फिल्म दी पैलेस और बॉन्ड का ट्रेलर जारी हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।